जय सतगुरु की। सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा है, सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा है रंग लाई, गुरु है राजी तो रब है राजी, गुरु है राजी तो रब है राजी, गुरु बिना है न कोई पूजा है, सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु ही ब्रह्मा गुरु महेश्वर निराकार है, गुरु ही है ईश्वर, गुरु ही ब्रह्मा गुरु महेश्वर निराकार, गुरु ही ईश्वर गुरु ही जल में, गुरु ही फल में, गुरु ही सारे जहां में ऊंचा, गुरु ही जल में, गुरु ही थल में, गुरु ही सारे जहां में ऊंचा है, सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु है भक्ति का एक मंदिर, गुरु दया का है एक समंदर, गुरु ही भक्ति का एक मंदिर, गुरु दया का है एक समंदर, है दीन बंधु कृपा के सिंधु, है दीन बंधु कृपा के सिंधु, ओ ध्यान तेरा हमें हमेशा, है दीन बंधु कृपा के सिंधु, ओ ध्यान तेरा हमें हमेशा, है सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा है, सबसे उत्तम गुरु की पूजा है, सबसे पावन गुरु की पूजा। बड़ा अच्छा भजन, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। हाँ, पहली बार हम गा रहे थे, लिखा हुआ सामने आया, हमने याद नहीं, बहुत अच्छा है। इन गुरु की पूजा और गुरु में विश्वास, ये जिंदगी भर जो है ना करना पड़ता है, क्योंकि कल कर लिया आज छूट गया, कोई बात नहीं फिर कर। अभ्यास ये है कि गुरु जी सब जो कर रहे हैं वो पहले
इसीलिए चैतन्य की भक्ति की इतनी महिमा है। चैतन्य की भक्ति के बिना हम कभी अपने स्वरूप में टिक भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते कि सच में हमारा स्वरूप है क्या। उसके लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, ज्ञान की पूर्ति कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना, सिर्फ गुरु को ही जो है ना सही मान के बस गुरु के विचार को अपनाते जाना। और गुरु भी ऐसे नहीं हम लोगों का करके ऐसे ही कर ले, हम गुरु कहके माँ ने कह दिया हम कर लें, फलाने ने हजार की भीड़ जा रही है उधर तो हम कर लें, ऐसे भी गुरु तो अपने आप ना गुरु के प्रति जैसे जैसे श्रद्धा होती है वैसे वैसे खुद अपना परिचय मिलता है, और गुरु के परिचय से अपना भी पता चलता है और अपने परिचय अंदाजा होता है। क्या बताएं, कैसा लगता है कि गुरु उनके एक एक जैसे गुरु जी याद आते, गुरु जी कुछ नहीं करते, बस वो तो लगे रहते थे वर्तमान को जीने में, वर्तमान जीते थे बस और कुछ नहीं, और उसी में सब जैसे कहते थे सब अपने आप हो जाता था उनके द्वारा, सब सही है, सब अपने आप लगे अंतर्यामी इनके दिल को लगता अंतर्यामी के लिए कुछ के लिए कुछ, लेकिन तब जो है वो बस एक ब्रह्म में अपने को लय करे, जितना लय करते जाए उतना आराम जीवन। तो एक गुरु की पूजा ही हम करते थे, पूजा बाहर से नहीं, गुरु जी ने तो कहा मानसिक पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, बोले अच्छी है बाहर की लेकिन मानसिक पूजा हर समय वो सबसे और सबसे पवित्र करना है, हमको खुद को पवित्र करना है मन से हर समय, जो भी गुरु जी करना है वो राइट कर उसमें खोजते रहे, तो ये सब सही हो रहा है, जो उनके द्वारा हमारे लिए हो रहा है वो सही हो रहा है। पहले कहते हैं एक जगह आदत बनाते बनाते फिर संसार में गुरु जी ने कहा जो हो रहा है राइट हो रहा है, बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियां आती हैं जीवन में, ऐसा नहीं नहीं आती, लेकिन सब में भगवान जैसे है वो भला कर, वो हमको सत्य की तरफ ही ले जा रहा है, असत्य से हमारा क्या है असत्य का दर्शन करा रहा है, करा कर सत्य की ओर ही टिका रहा है, क्योंकि ये कितना कृपा है हम लोगों पे गुरु जी की, हम लोग समझ नहीं पाते क्यों, क्योंकि हमारा विश्वास और विश्वास बुद्धि को बार बार खत्म होता है, बुद्धि का विश्वास ही तो बार बार खत्म होता है, तो बुद्धि को ही बार बार नत करना है, बुद्धि को ही चढ़ाना है, काव्य महाराज महामहिमा तुम्हें समझे बिरले बुद्धि वारे, बुद्धि वाले नहीं बुद्धि वारे, वारे मतलब जो चढ़ाते हैं तुम्हारे में अर्पित कर, बस समझ लें और मान लें और निश्चय कर लें, मान तो लेते हैं लेकिन निश्चय नहीं होता है, हमारा निश्चय बार बार टेल होता है लेकिन निश्चय पक्का होता है, तो हम अपने कहते हैं प्रॉमिस तो किया, गुरु भक्ति जब आए ईश्वर मना तो क्या किया, अपने साथ तो प्रॉमिस किया अब मेरा भगवान अब वो है, मेरे भगवान वो है, वो जब मेरे भगवान है तो इस जगह है और इस जगह नहीं ऐसा तो ना, लेकिन निश्चय जो है ना एकदम से तो किया नहीं, ये भी कोई कह रहे एकदम से कर लिया निश्चय, हाँ कुछ साल लगे लेकिन कुछ साल के बाद अब जो हो रहा है उसमें उन्हीं को खोजते, जो भी होता है जैसा भी जहां से भी जिससे भी
उसमें सिर्फ उनको खोजे, चाहे किसी के किसी और का हो रहा हो, वहां भी उन्हीं को खोजे। भक्तों के साथ भक्तों की बहुत बातें पता चलती रहती है, तो बोले सब कुछ उन्हीं से हो रहा है, ये निश्चय और ये पक्का विश्वास। विश्वास से होता है तो मेरे भले के लिए हो रहा है, हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, ही नहीं कि ये तो नाम रूप उसने किया, वैसे किया वैसे किया हमने किया, लेकिन ना नाम रूप जब है ही नहीं, नाम रूप नाश कर ब्रह्म का प्रकाश कर, तो एक गुरु के साथ ही पहले संबंध अपना बनाना पड़ता है। वे उनके सामने हम नथिंग है, नथिंग बिल्कुल कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होते हैं तो फिर जो वो कहते जाते हैं वो होते जाते हैं, जो वो गलत करते जाते हैं वही बन होते जाते हैं। इधर से काटे इधर से छाटे, इधर से निकाल दे कान, इधर से आग बना दे, इधर से वो कर दे, उसकी मर्जी, क्योंकि अब अपने को उसके आगे सौंप दिया। जैसे सौंप दिया जब सुनार के हाथ में सोना और कहा तुम गहना बनाओ, तो गहना बना के देता है, सोने को तो पहन सकता नहीं, पर गहने को ही पहन सकता है, चाहे कान में चाहे गले में चाहे कमर में चाहे हाथ में, ऐसे ही खुट के साथ मिलकर ही जो है ना सुनार बनाता है। खुट के बिना बना भी नहीं सकता, ऐसे करंट क्या करेगा, करंट कुछ नहीं करता है, करंट को कहीं इकट्ठा किया जाता है तब कहीं वो करंट बिजली बनाता है, कहीं कुछ बनाता है। करंट है ना, करंट पैदा करना, करंट मिलता है किसी के साथ तभी काम करता है, तो खुद के साथ मिलके ही काम होता है। तो माया भी सत्य है, भगवान भी सत्य है, और जीव भी सत्य है, ये बात तीनों ही सत्य हैं। तीनों को हम लोग गुरु की कृपा से जानने वाले हो जाएंगे, जानने वाले हो जाएंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फिर नाम रूप से कहते नहीं, नाता अंदर से अपने नाम रूप से टूटेगा तो दूसरे नाम रूप से भी टूट जाएगा। हम खुद नाम रूप बने हैं तो नेचुरल सी बात है, दूसरा भी है। बोले अपने नाम रूप से अंदर से अगर के नाम रूप तोड़ने का अर्थ ये तोड़ना है कि शरीर को छिन्न भिन्न कर दो, पहले अंदर से खोल कर लो, खोल में खाली कर लो, खोल को खोल रह जाए, कुछ भी ना हो, खाली खाली, ना तेरी मेरी से भरा हो, ना बोले ज्ञान अज्ञान से किसी किसी तरह से भी भरा हुआ ना हो, अंदर मैं तू से भरा हूं। यही अभ्यास है, जीवन पर्यंत अभ्यास है। अभी मन होता है फिर से गीता एक बार पढ़ने का, पहले उन्होंने गीता पढ़ी थी ना, बहुत अच्छी लगती थी।